हमारे संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्मों को के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। ईसाई मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। झारखंड में भी दुर्गम जंगली पहाड़ी इलाकों में जा जाकर शताधिक वर्षों से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलकर मानवता की सेवा मिशनरियों की है, लेकिन अब सरकार ने आते ही FCRA बंद करके बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के पैसे रोक दिए हैं। टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मिशनरी स्कूल्स में कितना क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से विल्लुपुरम से उन्होंने पढ़ाई की है। फिर ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी डॉन बॉस्को से पढ़े हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहां से पढ़कर आज इस लायक बने। मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप के देखा कि महुआ मांझी नाम के महिला जो है, जो झारखंड के सांसद पर पद पर उपस्थित हैं और वहां पर उन्होंने क्रिश्चियन के प्रति आवाज उठाया कि ईसाई मिशनरी कितनी शिक्षा और हेल्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन उन पर आए दिन क्या होता है, धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है। आए दिन जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर असामाजिक तत्व लोग जो है वो धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते आए हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, कितना भी संसद में लोग जो है आवाज उठा लें, लेकिन इन सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उनको कान में चू तक नहीं होती है, कान में ऊह तक नहीं आवाज आती है। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम आप सबसे आवेदन करना चाहेंगे और सबसे पहले महुआ मांझी को भी, जो सांसद है झारखंड के, उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि संसद में कम से कम इन्होंने आवाज़ तो उठाया, लेकिन आज देखिए और मौजूदा सरकार जो है संसद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बार भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, एक बार भी नहीं बोलते कि हाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है बहुत ही शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसा कि बताया, पीयूष गोयल जो है वो भी क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नेता लोग जो है डॉन बॉस्को में, सेंट पॉल और सेंट जेवियर, ऐसे ऐसे स्कूल से पर पास आउट होकर आज मंत्री के पद पर हैं, कोई डीएम के पद पर हैं, तो कोई विदेशों में इंजीनियर का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे मसीही भाई बहनों, आज शिक्षा के मामले में जितनी तेज़ी से ईसाई लोग जो है काम करते हैं और जगह जगह स्कूल खोलते हैं, लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं क्रिश्चियन लोग, लेकिन वहीं पर एक जगह देखा जाए तो जहाँ यीशु मसीह का जब वो लोग प्रचार करते हैं, ईसाई लोग जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, तो वहाँ पर असामाजिक तत्व लोग जो हैं वहाँ पर ईसाई धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस वीडियो क्लिप को देखकर आपका क्या राय है, आप अपना विचार रख सकते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि हमारा जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको आशीष दे, आमीन।